आई हेट क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लैश ऑफ क्लैंस इतना एडिक्टिव क्यों है या फिर लोग इसे क्यों हेट करते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका प्यारा यूट्यूबर अविनाश, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनो भाई, जो क्लैश ऑफ क्लैंस जो गेम है ना, वो स्ट्रैटेजी का गेम है जिसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आप बेस पे अटैक करते हो, उसे 3 स्टार निकालते हो, तो आपको जो अच्छी फीलिंग आती है वो किस वजह से होती है, आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है जो जब वो रिलीज होता है तब आपको जो है वो अच्छी फीलिंग आने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी आप में भर जाती है और आप मोटिवेट फील करते हो या फिर आपको अच्छा लगने लगता है। जब आप बेस को 3 स्टार करते हो तो वो फीलिंग आपको आने लगती है, आपको लगता है कि और भी मैं बेस को 3 स्टार करूँ, और भी गेम खेलूँ, तब आपको जो है वो क्लैश ऑफ क्लैंस का जो लत लगने लग जाती है। इस तरीके से जो है क्लैश ऑफ क्लैंस की लत लगती है, जो ये वो पहला कारण। जो दूसरी चीज़ है क्लैश ऑफ क्लैंस को एडिक्टिव बनाने के लिए, वो है क्लैश ऑफ क्लैंस के अपडेट्स। जब क्लैश ऑफ क्लैंस के अपडेट्स आते हैं तब कुछ नई हाइप लेके आते हैं, कौन सा ट्रूप नया आने वाला है, कौन सा सुपर ट्रूप आने वाला है, कौन सी न्यू हीरो आने वाली है, या फिर जैसे कि रॉयल चैंपियन आए थे पिछले साल और इस साल आया टाउन हॉल 14, उस तरीके से जो है नए नए हाइप क्रिएट करते हैं। उसकी वजह से जो है आपके दिमाग में जो है एक्साइटमेंट हो जाती है कि आगे कौन सा ट्रूप आने वाला है, हमें कौन सा ट्रूप मिलेगा। इसकी वजह से जो है क्लैश ऑफ क्लैंस का जो है वो एडिक्टिविटी बढ़ जाती है और हमें उस चीज़ की जो क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सा ट्रूप आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। इसकी वजह से जो है हम क्लैश ऑफ क्लैंस की एडिक्ट हो जाती है। जब आपको जो एक स्निक पिक मिलते हैं तो आपको जो क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, उसके हिसाब से क्या होता है कि आपकी एडिक्टिविटी भी बढ़ जाती है उस गेम को खेलने के लिए। जब अपडेट आ जाएगा या फिर कल आएगा, इसकी वजह से जो है वो गेम में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो एडिक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया, दिमाग में जो है डोपामिन रिलीज होता है, जो अल्कोहल होता है, ड्रग होता है या फिर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों से जो है वो अपने दिमाग में जो है वो डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन इसकी वजह से जो है वो एक साइड इफेक्ट होता है कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो कमज़ोर बना देती है, अपनी सीएनएस को जो है कमज़ोर बना देती है, ऐसी चीज़ें जो अल्कोहल ड्रग है। तो आप इसे मत ही लीजिएगा, और लेते भी है तो छोड़ दीजिए। जो नेक्स्ट चीज़ आती है क्लैश ऑफ क्लैंस को एडिक्टिव बनाने के लिए, वो है कि नए नए टाउन हॉल्स। अगर आप टाउन हॉल 8 पे तो आप 9 पे जाएंगे, अगर आप 9 पे तो 10 पे जाने की कोशिश करेंगे, अगर आप टाउन हॉल 6 पे तो वहाँ पर जो है आपको कुछ डिफेंसेस और लगेंगे, जब आप टाउन हॉल 7 पे जाएंगे तब आपको जो है नए नए डिफेंस मिलेंगे। जैसे कि टाउन हॉल 7 पे जो है वो डार्क लीग से एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपको किंग मिलता है उसकी जो क्यूरियोसिटी रहती है उसके हिसाब से भी जो है आपको क्लैश ऑफ क्लैंस की एडिक्ट हो जाते हैं आप। जैसे कि हमें नए नए टाउन हॉल्स पे जो है वो नई नई चीज़ें मिलती है, जैसे कि टाउन हॉल 9 पे हमें क्वीन मिलती है, टाउन हॉल 11 पे ग्रैंड वार्डन मिलता है, टाउन हॉल 13 पे हमें रॉयल चैंपियन मिलती है, स्कैटर शॉट मिलते हैं। इन चीज़ों को जो है हासिल करने के लिए हम क्लैश ऑफ क्लैंस से आगे आगे लेवल खेलने लगते हैं, इसकी वजह से भी जो है क्लैश ऑफ क्लैंस की एडिक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस पसंद नहीं आता, वो कहते हैं आई हेट क्लैश ऑफ क्लैंस। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने जिंदगी में कभी क्लैश ऑफ क्लैंस को हाथ भी नहीं लगाया, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्लैश ऑफ क्लैंस थोड़ी देर खेला, और मतलब कुछ महीने खेला या फिर 2-3 महीने खेला और बाद में छोड़ दिया। वो लोग कहते हैं हमें क्लैश ऑफ क्लैंस पसंद नहीं है। इस चीज़ के पीछे का एक रीज़न बताता हूँ जो मुझे लगता है, वो ये है कि जब आप क्लैश ऑफ क्लैंस को नए नए डाउनलोड करते हैं, जब आप उसमें नए नए प्लेयर होते हैं तो आपको जो है वो टाउन हॉल 1 से शुरू करना पड़ता है। कोई भी इंसान जो है वो 0 से शुरू करता है, उसे आगे बढ़ना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको जो है वो फर्स्ट स्टेप से जो है वो चालू करना पड़ता है क्लैश ऑफ क्लैंस। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट टाउन हॉल 14 मैक्स हो गया आपका बेस, ऐसा नहीं होता। को उसमें जो है समय देना पड़ता है अपने हिसाब से, तब जाके कहाँ आप टाउन हॉल 14 मैक्स कर सकते हैं या फिर जो भी आपका रिलेटिव टाउन हॉल है उसे आप मैक्स कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस पसंद नहीं आता, उनमें सबसे बड़ी कमी होती है वो है कि पेशेंस की। उन्हें जो है क्लैश ऑफ क्लैंस कंटिन्यू खेलना है। लेकिन क्लैश ऑफ क्लैंस में कैसा है कि आपको टाइम बाउंड दिया जाता है, मतलब अगर आप एक अटैक करने गए और उसे सक्सेसफुल कर दिया तो दूसरे अटैक के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि आदमी ट्रेन होने के लिए टाइम लगता है उस ट्रूप के हिसाब से जितना उसे टाइम लगता है। और ज़िंदगी में भी पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस के आगे की जो स्टेप होती है वो सक्सेस होती है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको क्लैश ऑफ क्लैंस बोर होने लगेगा, क्योंकि इस गेम में जो है आपको स्ट्रैटेजी और पेशेंस दोनों भी चाहिए। आपको इसमें दिमाग भी लगाना है, पेशेंस भी रखना है अपने आर्मी के लिए। और सबसे बड़ी बात गाइस कि जब आप नए नए टाउन आते हैं और नए नए ट्रूप्स भी आते हैं, उनमें आप अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपग्रेड के लिए कुछ तो टाइम चाहिए, 10-12 दिन। जब आप टाउन 9 से टाउन 10 पे अपग्रेड करते हैं एक्सेप्ट बुक्स या फिर हैमर्स, अगर आप टाउन 9 से लेकर टाउन 10 को अगर अपग्रेड करते हैं तो उसे भी 10-12 दिन लगने वाले हैं कैसे भी, विदाउट बुक्स एंड हैमर्स जो भी एक्सेप्ट मैजिक आइटम से।
उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एकदम सिंपल अपडेट सिंपल अपग्रेडिंग की। तो इनमें टाइम लगने वाला है, इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है जो हेटर्स लोग में नहीं होती, जो क्लैश ऑफ क्लैंस को हेट करते हैं। तो बस ये थी कुछ बातें जो क्लैश ऑफ क्लैंस को एडिक्ट या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस को प्यार करने में आती है और हेट करने में आती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूज़र नेम है @avinashrautyt। आगे कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।